फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज मेरे पास सुबह सुबह टाइम था क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैंने सोचा उठते के साथ मैं फेस पर मसाज कर लेती हूँ और फेस पैक लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जो है दही और बेसन हल्दी का फेस पैक बनाया हुआ है, जिसको मैं अपने फेस पर लगाकर अच्छे से हल्के हल्के हाथ से मसाज करूँगी। तो यहाँ मैं 2 मिनट अच्छे से मसाज करूँगी और फिर इसको ठंडे पानी से मैं वॉश कर दूंगी। और साथ ही साथ मैंने चाय को लो फ्लेम पर रख दिया हुआ है, क्योंकि जब तक मैं मसाज करूंगी तब तक जो है मेरी चाय भी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगी। मसाज कंप्लीट हो गया था तो मैंने इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दिया और साथ ही साथ मेरी चाय बन गई थी, तो मैं बच्चों के लिए और अपने लिए चाय लेकर आ गई थी। लेकर जब मैं आई तो मेरे दोनों बच्चे भी उठ गया था। तो दुरूद और दारिम, मैं साथ में चाय पी रही हूँ क्योंकि दारिम ने दुरूद को भी जगा लिया और दोनों बच्चे मेरे साथ ही बैठकर चाय पी रहे थे। यहाँ मैं अपने बच्चों के साथ चाय पीते हुए या कुछ खाते हुए हमेशा बातें करती रहती हूँ, ताकि कि बच्चों को इससे अच्छी आदत पड़े। और चाय पीने के बाद मैंने दोनों बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर ली। मैंने बच्चों से कहा, चलो आज मेरे पास टाइम है तो मैं तुम दोनों को पढ़ा देती हूँ। दुरूद की इधर तबीयत ख़राब होने की वजह से वो थोड़ा ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं दोनों को पढ़ा देती हूँ। और यहाँ मैंने देखी दरूद की हेयर कटिंग कराई हुई थी, तो बार्बर ने उसे गर्ल समझकर उसका बाल जो है गर्ल वाले स्टाइल का काट दिया। दुरूद अभी बुक खोलेगा और वो वही पढ़ेगा जो उसे सबसे अच्छा लगता है। तो दुरूद को यहाँ पर जो भी गैजेट वाली चीज़ें होती, ट्रेन वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसे जो पढ़ाती हूँ वो जल्दी वो नहीं पढ़ना चाहता। वो अपनी फेवरेट चीज़ें खोल कर बैठा, देखिए वो मुझसे ये कह रहा है कि मुझे ये आप पढ़ाइए। और दुरूद को भी जो याद रहता है वो खैर मुझे साथ ही साथ बताता रहता है। पहले मैं दारिम को भी पढ़ाती थी, लेकिन अब माशाल्लाह दारिम अपने से थोड़ा पढ़ लेता है। यहाँ दारिम कुछ भूल गया था तो वो गया था लेने के लिए, और फिर दोनों भाई इसी तरह से साथ में आराम से पढ़ लेंगे। दारिम का होमवर्क मोबाइल में है, तो वो अपना मोबाइल से होमवर्क चेक कर रहा है। शेप है ना, ये क्या है। और दुरूद को जो भी याद रहता है वो मुझे साथ ही साथ बताता रहता है। बच्चों ने पढ़ाई करके खेलना शुरू कर दिया था और मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल गया है कि मैं भी अपना कुछ काम कर सकूं। दोनों भाई इसी तरह से एक साथ मोबाइल देख लेते हैं और मुझे कपड़े उठाने थे तो मैं चली गई कपड़ा। यहाँ दारुम दरूद साथ में सोफे पे आराम से खेलने लगे तो मुझे भी टाइम मिल गया जल्दी जल्दी कपड़ा फोल्ड करने का। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना कपड़ा तय करना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे पहले दारुम और दरूद कुछ काम ना कह दें। मम्मा, क्या हुआ? सोफा फट गया। सोफा फट गया? कैसे फटा ये? कुछ मत बताना, पापा से कुछ मत बताना।
तारिम इतना डर गया था सोफ़ा फाड़ने के बाद कि वो चुपचाप से सो गया। अभी मैंने उसको जगाया कि चलो कुछ खा लो, तो उसकी पसंद की मैंने मैगी बनाई, लेकिन वो खाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, चुपचाप से गुस्सा कर बैठा हुआ है। तारिम आओ। पापा से नहीं कहेंगे मैगी खाओ, अपनी बदमाशी करते हो, उसके बाद कहोगे कि जो है पापा से नहीं कहोगे। पापा आएंगे तो बस पापा को बताना कैसे फटा हुआ, हम नहीं बताएंगे। इसके बाद मैं किचन में आ गई, मैंने जल्दी से चावल दाल और रोटी बना ली, दूध सब मैंने गरम कर लिया था। मुझे सब्ज़ी मीट कुछ नहीं बनाना था क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि वो बाज़ार से पनीर की सब्ज़ी ले आएंगे, तो यहाँ मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया और बच्चे भी पढ़ने बैठ गए। तो फ्रेंड बच्चों ने खाना वाना खा लिया है, मैं अपना और रूबी का खाना लेकर आ चुकी हूँ। अभी हस्बैंड बच्चों को टहलाने गए थे तो मैंने जल्दी जल्दी से खाना निकाली, ये बच्चे भी आ गए घूमकर। तो वीडियो का एंड भी यही करते हैं, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार लाइक और सब्सक्राइब के जरिए दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।